हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज से हमारे महेश्वर में निमाड़ उत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है। आज है 11 नवंबर और यहाँ पर पहले दिन नौका सज्जा प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कुछ नौकाओं को सजाया गया था जो कि आप देख सकते हैं। और इसी समय आरती के जस्ट बाद में आई हूँ और यहाँ पर नौकाएं सजाई गई हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, फूलों से सजाई गई है और दुपट्टे से सजाई गई है, और ये भी फ्लावर्स डेकोरेशन है। तीन नावों का नमूना बनाकर सजाया गया है और ये अम्ब्रेला से यानी छाते से सजाई गई नाव है ये वाली। और ये जो नावें सजाई गई हैं, इनको चलाया नहीं जा रहा है। और ये नाव सबसे ज़्यादा सुंदर है और शायद ये प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने, जो कि हमारे सैनिकों को समर्पित है। और बहुत ही अच्छी तरह इसे डेकोरेट किया गया था। इसी के साथ वर्तमान की चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री जो मध्य प्रदेश की हैं, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, उनका भी साइड में भाषण चल रहा था। और ये जो नाव है, ये लव वर्ड से सजाई गई है प्यार करने वाले लोगों के लिए। और ये जो नाव है, ये भी बहुत ही अच्छी डेकोरेट की गई है। यहाँ पे शंकर जी की जो वो है सिंदरी बनाई गई है और दो बच्चे बनाए गए हैं और ऊपर कुछ कोटेशन लिखे गए हैं, जिसमें बेटियों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं महेश्वर के किले के डेकोरेशन की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो किला है, परिसर है, उसे रंग बिरंगी रोशनियों से डेकोरेट किया गया है और हर बार कुछ नया अनुभव होता है। यहाँ पे ये हमारी संस्कृति को चित्रित करने वाले बॉक्सेस बना के लगाए गए हैं। और इस बार का जो निमाड़ उत्सव का स्टेज है, वो अमरकंटक के मंदिरों की जो छवि है उसे प्रस्तुत करते हुए बनाया गया है। यानी अमरकंटक के मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा ही है। और सामने जो नृत्य आप देख रहे हैं, ये मालवी नृत्य चल रहा है। और यहाँ पे पब्लिक देख सकते हैं आप, बहुत भारी संख्या में इकट्ठी हुई है। और सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है किले की सीढ़ियों पर बैठने के लिए, और सबसे पहले लोग यहीं पर बैठने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ से सामने जो स्टेज का व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और हम थोड़ा लेट आए थे। और अगला जो नृत्य है, ये डिंडोरी नृत्य है जो मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इससे जो खेती करते हैं, उसके बाद जो फसल आती है उस पर दर्शाया गया है। और अब ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, जो शुरू होने जा रहा है, जिसमें मोर पंखों को सिर पे बांधकर और नृत्य शुरू किया गया है, ये तेलंगाना का घुसाड़ी नृत्य है जो कि तेलंगाना का लोक नृत्य है। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, ये आसामी नृत्य हैं। और इतने सारे नृत्य अलग अलग जगह के स्टेट के हुए थे। ये आखिरी नृत्य प्रस्तुति है जो कि महाराष्ट्र का सोंगी मुखोटा नृत्य है।
और यहाँ पे विजय लक्ष्मी साधो जी जो मध्य प्रदेश मंत्री हैं उनकी बात करते हुए थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बना ली है। और ये पूर्णिमा का चांद है, यानी 14 हो चुकी है, पूर्णिमा लग चुकी है, उसका चांद दिख रहा है। और ये जो अगला नृत्य है वो माँ दुर्गा देवी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो कि कथक शैली में प्रस्तुत किया गया नृत्य है। Consort of Shiva. She is the auspiciousness of all things, fulfillers of all boons. लगभग 40 से 45 मिनट चले इस कथक समूह नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण था वो इतना ही अद्भुत था कि उस पे से नज़र हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये सबसे बेस्ट नृत्य था जो मैंने निमाड़ उत्सव में अभी तक देखा है, क्योंकि इसमें दुर्गा जी के जो शक्ति स्वरूप है उसको बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत ही लंबा जाता, और मेरा अगला जो वीडियो है वो कवि सम्मेलन का है, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा।